यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद मदोजमानिनः। तो श्री भगवान को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक प्रभु से कहा, प्रभु फिर मुझ पर कृपा करिएगा कि मैं सावधानी पूर्वक आपकी सेवा कर सकूं। सावधानी ही साधना है और सावधानी रूपी साधना की सिद्धि क्या है? क्या सावधानी रूपी साधना को सिद्ध करने के पश्चात सावधानी की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सावधानी साधना है और प्रत्येक साधना की कोई ना कोई सिद्धि अवश्य होती है। सावधानी रूपी साधना की सिद्धि यह है कि साधन काल में साधक को प्रयास करना पड़ता है और जब सावधानी सिद्ध हो जाती है तब वो सहज हो जाती है, पर सावधानी सदा रहती है और सावधानी सदा रहनी चाहिए। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का चरित्र जब श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में कहते तो कहते सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान। इसलिए मैंने कहा सावधानी ही साधना है। ब्रह्मा जी ने यही मांगा भगवान से, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न है, आपने कहा है वर मांगो, तो मैं यही मांगता हूं कि मैं सेवा तो करूं, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में समर्पित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूं, पर मैं सावधान होकर सेवा करूं, मैं असावधान ना हो जाऊं। ध्यान रखना, असावधान हो जाने पर हाथ आई हुई विजय भी पराजय में बदल सकती है, एक क्षण की सावधानी। इतिहास में आपको अनेकों ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे, एक सेना युद्ध लगभग जीत गई और उसको लगा कि बस अब तो युद्ध जीत गए और इतने में थोड़े से असावधान हुए और शत्रु ने उस अवसर का लाभ लेकर और परास्त कर दिया। ऐसे कहने वाला कहता है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये संसार भी युद्ध क्षेत्र जैसा ही तो है, जीवन युद्ध ही तो है। तो जो सावधान रहेगा वही विजयी होगा। और ये छोटी सी बात पर बड़े काम की है कि सावधानी ही साधना है। और सावधानी रूपी साधना की सिद्धि क्या है? जब जब सावधानी आपका स्वभाव बन जाए। अभी क्या है, अभी हमको सावधान रहना पड़ेगा और जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तब हम सावधान हो जाएंगे। अभी हमको रहने में प्रयास करना पड़ेगा फिर हम सावधान हो जाएंगे, पर सावधान सदा रहना है। जैसे अनुशासन भी एक साधना है और अनुशासन रूपी साधना की सिद्धि क्या है, वो भी यही कि पहले अनुशासन को साधना पड़ता है, जीवन में लाना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और जब अनुशासन सध जाता है तब वो आपका स्वभाव हो जाता है। ऐसी नाम जप भी है, पहले नाम जप में मन को लगाइए, लगते लगते जब मन लग जाएगा फिर जप सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी ध्यान भी है कल जिस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि भाई पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास का जो काल होता है वो बड़ा सुखद नहीं होता क्योंकि उसमें बार बार असफल होते हैं, होना पड़ता है। अभ्यास का जो काल होता है बहुत सुखद क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें व्यक्ति को बार बार असफल होना पड़ता है और असफलता से घबराए नहीं, असफलता से निराश ना हो। निराश केवल उसी व्यक्ति को होना चाहिए जिसने अभी चलना आरंभ ही नहीं किया। जो चल पड़ा है उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल ठिकाने पहुंचेगा। और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आपने चलना शुरू किया है फिर तो किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। तो ये बात बड़ी विचारणीय है। और जितना महत् कार्य आप कर रहे हैं उतना ही अधिक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जितने ऊंचे स्थान पर भगवान ने आपको बैठाया है उतना ही अधिक सावधान आपको रहना पड़ेगा। जैसे जितना उजला वस्त्र आपने पहना है उसको उतना ही बचाकर भी तो रखना पड़ता है। जल का छींटा भी उजले वस्त्र पर चमकने लगता है। अब ब्रह्मा जी सबसे बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, सृष्टि की रचना करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु फिर आप मुझ पर कृपा करना, अपनी कृपा दृष्टि आप मुझ पर रखना
कि मैं सावधानी पूर्वक आपकी सेवा करूं। हमारे यहां सेवा विचार ग्रंथ में स्थान स्थान पर यही कहा गया है, श्री जी की सेवा करें पर सावधानी पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें। और मैं तो आपको कई बार कहता हूं सेवा कम हो पर अपराध रहित सेवा करने का प्रयास हमको करना चाहिए, हमसे अपराध ना हो। श्री जी की सेवा में तो किंचित आचार विचार का, शुचिता पवित्रता का ध्यान अवश्य रखा ही जाना चाहिए ना। थोड़ी करिए, पहले तो स्वयं करिए और सावधानी पूर्वक करिए। अच्छा, जब स्वयं नहीं करोगे तो सावधानी पूर्वक कभी आप सेवा न तो कर सकते ना करा सकते। जो स्वयं करेगा वही तो सावधानी पूर्वक करेगा, कराने वाला कैसे सावधानी पूर्वक कराएगा? कराने वाले से तो त्रुटि होगी होगी, क्योंकि उसकी आत्मीयता नहीं है। एक भोजन का ग्रास मां बालक के मुख में देती है और परिस्थिति वशात वही भोजन का ग्रास कभी कोई आया बालक के मुख में देती है, दोनों का भाव कोई एक साथ थोड़ी होता है। मां के हाथ से भोजन जो मिलता है, अरे वो भोजन तो अमृत तुल्य होता है, मां के हाथ का बना भोजन अमृत तुल्य होता है। प्रसंग आया है तो मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा और विशेष रूप से माताओं बहनों के चरणों में बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बात कह रहा हूं, भगवान की कृपा हो आपके पास खूब साधन समृद्धि हो, पर भोजन अपने हाथ से बनाना चाहिए, ये कार्य किसी से नहीं कराना चाहिए। आज भी अवध धाम में एक बड़ा पवित्र स्थान है, उसे कहते हैं सीता माता की रसोई, सीता माता की रसोई। अरे वो जगत जननी है, उनके कृपा कटाक्ष से अष्ट सिद्धियां नवनिधियां किसी को प्राप्त होती हैं। जगत जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वो भगवान की अल्लादिनी, वो भगवान की शक्ति और उस अतुल विपुल ऐश्वर्य की एकमात्र एक छत्र स्वामिनी होते हुए भी, पर प्रभु का भोजन बनाने का कार्य तो माता अपनी रसोई में अपने हाथ से करती हैं। तो इसलिए मैंने प्रसंग आया तो ऐसी छोटी सी बात आपको कह दी, प्रभु की कृपा हो आपके पास खूब साधन समृद्धि हो, पर रसोई तो माता बहन के अपने हाथ में ही होनी चाहिए। अरे ये जब जो सब कमा रहे हो, दो समय का पवित्र भोजन भी आप नहीं कर सकते, तो ये आपका कमाना धमाना सब किस काम का है? अच्छा, भोजन भी आपके भाग्य में अगर नहीं है, पता नहीं जो व्यक्ति आपका भोजन बना रहा है उसका मन चित कहाँ है, कैसा है, उसके मन में कैसे विचार हैं, उसके पास कोई शारीरिक पवित्रता है भी कि नहीं, उसका मन जाने कैसा है, उसके हाथ का बना भोजन पा रहे हो और अकड़ कर बैठे हो कि भाई हमारे घर तो ऐसे ही नौकर भोजन बनाते हैं, क्योंकि हम तो सेठ हैं, मैं तो सेठानी हूं, हम कैसे करें ये काम? एक बार इसको दूसरी दृष्टि से देखो कि इतना सब ऐश्वर्य तुम्हारे किस काम का है, जो दो समय का पवित्र भोजन भी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, जिससे तुम्हारा जीवन बनेगा, आगे बढ़ेगा, जिससे तुम्हारा तन मन बनेगा, वो वस्तु भी यदि तुम अपवित्र ग्रहण कर रहे हो, वो वस्तु भी यदि असुचि ग्रहण कर रहे हो, फिर तुम्हारा ऐश्वर्य है किस काम का? कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं कुछ भी हो, फिर रसोई आपके हाथ में होनी चाहिए। आजकल तो अब कैसा समय आ गया, आजकल तो माताओं को भी नहीं इस बात की कोई विशेष इच्छा रहती कि भाई मेरी मेरी जो कन्या है वो सीख ले कुछ रसोई का काम। अरे इसको कोई जीवन में ये थोड़ी करना है, अरे करना है कि नहीं करना ये तो बात बाद की है, पर जो जो एक प्राकृतिक गुण है वो तो आपके भीतर होना चाहिए ना, उससे तो आपके व्यक्तित्व का विकास ही होगा। और फिर देखो ये जो उदाहरण छोटा सा मैंने आपको दिया, जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य की एकमात्र स्वामिनी है, इंद्र का वैभव तुच्छ है अयोध्या के वैभव के सन्मुख, वो श्री जानकी जी भी रसोई का कार्य तो अपने हाथ से करती है, अपने हाथ से प्रभु की रसोई बनाती भी हैं और अपने हाथ से प्रभु को रसोई पवाती भी हैं। और जो स्वयं लक्ष्मी है वो महारानी रुक्मिणी, वो महारानी वैदर्भी, आप पढ़िए श्रीमद् भागवत में
कैसे अपने हाथ में कंचन का थाल लेकर और कैसे प्रेम से लाड़ से एक एक ग्रास प्रभु के मुख में देती है। मैं एक बात आपको और कहता हुआ आगे चलूं कि केवल पुरुष के शरीर का आकार होने से कोई पुरुष नहीं होता, उसमें पौरुष भी होना चाहिए। पौरुष से पुरुष है, उसमें पुरुषोचित गुण भी होना चाहिए, उसमें वैसी सामर्थ्य भी होनी चाहिए। ऐसे ही स्त्री में स्त्रीोचित गुण भी होना चाहिए। अभी तो पता नहीं कैसा समय आया और कैसा और आएगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है कौन क्या है कैसा है। पहले तो बड़े लोग कहते थे जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। पर आज तो बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति है, जिसका जो काम है वो तो वो कर ही नहीं रहा है, दूसरा उसका काम कर रहा है। खैर चलो, हमको इसमें क्यों पढ़ना है। फिर एक छोटी सी अच्छी बात मेरे ध्यान में आ गई तो मैंने सोचा कि आपके चरणों में निवेदन कर दूं। और एक बात और कहता हुआ आगे चल रहा हूं, माताओं बहनों को मैं जब भी कुछ कहता हूं ना, तो आप ये ना समझना मैं कोई उपदेश कर रहा हूं आपको। मैं आपका बालक बनकर आपके चरणों में एक बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। और फिर अगर हमारे जीवन में श्री जी की सेवा है, अगर गुरु कृपा से हमारे हिस्से श्री जी की सेवा आई है, फिर तो भाई ये कार्य स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं ही करना चाहिए। और मेरी इस बात को भूलना नहीं, देखना खूब साधन संपत्ति आपके पास में है और दो समय का पवित्र भोजन भी आपके भाग्य में नहीं है, कैसा जीवन है आपका। आपके जीवन में ओज तेज आएगा कहां से, आ भी गया तो रहेगा कहां से। सत्व गुण जब तक बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना, तब तक सद्विचार मन में टिकेगा नहीं। ये एक एक पंक्ति लिख कर रख लेना अपने पास, जब तक आपके जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा नहीं तब तक आपके जीवन में सद्विचार टिकेगा नहीं। यहां से सुनोगे यहां से बह जाएगा। सद्विचार टिकता कहां है, वो सत्व के धरातल पर टिकता है, नहीं तो बह जाता है। अरे सुनने वाले तो हजारों लाखों हैं, सब सुनकर चुन पाते हैं क्या, और सब चुनकर गुण पाते हैं क्या? कोई बिरला होता है जिसके जीवन में परिवर्तन आता है, कारण क्या है? यही तो कारण है, सुनते तो सब हैं पर वो टिकता नहीं, वो बह जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्व गुण का अभाव है, रजोगुण तमोगुण अधिक है। और इन गुणों के कम या अधिक होने पर सबसे अधिक और सबसे गहरा जो प्रभाव है वो आपके भोजन का है। कैसा भोजन करते हो आप, सबसे पहली बात यही है। इसीलिए वहां गीता जी का उपदेश करते हुए भगवान ने जो सबसे पहली बात कही, युक्ताहार। फिर कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्ताहार। अब आजकल तो भाई नई बच्चियों को भोजन ही बनाना नहीं आता, और जैसा मैंने कहा माताओं की भी कोई रुचि नहीं है, उनको भी नहीं लगता कि भाई इनको सीखना चाहिए। तभी आपसे बार बार कहता हूं भाई, अगर स्वार्थ सिद्ध करना है तो रास्ता दूसरा है, फिर तो नियम धर्म छोड़ो। लेकिन यदि परमार्थ सिद्ध करना है, मनुष्य जीवन के यदि वास्तविक लक्ष्य को आपको पाना है, फिर तो जीमारग सब संत गया छे, वीमारग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सुनो अब ना रहूंगी मैं अटल। और मैं तो कहता हूं जो श्री जी का सेवक है, जो श्री जी की सेवा में है, वो तो नारी किंवा पुरुष हो, उसको तो सब सेवा का कार्य अपने हाथ से करना चाहिए, करना आना चाहिए। हमको भी बहुत वर्ष सौभाग्य मिला श्री जी की रसोई में सेवा करने का, और सेवा का सुख भी तभी है जब वो अपने हाथ से की जाए। मैं तो ये कहता हूं सेवा का सुख ही तभी है जब अपने हाथ से की जाए। आप दाल रोटी श्री जी को पवाओ, पर भावग्राही जनार्दन है। आपने थाल में 10 वस्तु रखी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अरे प्रकृति की एक एक वस्तु सहज में ही प्रभु के चरणों में पहले से ही निवेदित है, आप करो न करो वो तो पहले से ही प्रभु के चरणों में निवेदित है। हमको तो अवसर मिलता है कृतार्थ होने का। इसी का विचार करके मैंने कहा थोड़ी हो सेवा, पर आप करो, सेवा हो और सावधानी पूर्वक हो। ये बात आरंभ हुई सावधानी से, किसी और से करा रहे हो तो सेवा में सावधानी रहेगी कैसे। श्री स्वामी जी महाराज के छप्पे की मैं चर्चा कर रहा था, श्री नावा जी महाराज कह रहे हैं कि उत्तम भोग लगाएं और मोर मरकट तिमी पोसें,
और फिर कह रहे सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान। जहां तक हो सके वहां तक श्री जी की रसोई में, जिस आंगन में श्री जी विराजमान है, वहां पर शुचिता पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये शरीर किस काम आएगा भाई, फिर कैसे श्री जी के सेवक कहलाते हो? स्वच्छता ही तो पवित्रता की जननी है। जो स्थान स्वच्छ ही नहीं है वो पवित्र कैसे हो सकता है? यदि आपकी आपकी सेवा में, आपके सेवा व्यवहार में यदि ऐसी साधारण सी शुचिता भी नहीं है तो पवित्रता कैसे आएगी? इसी को कहते हैं सेवा में सावधानी। अरे गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के जीवन का प्रसंग है, और एक बार श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन करने के लिए आए, अमनिया निवेदन कर रहे थे, और देखा कि किसी शाक में कोई बाल पड़ा है। इतना उनका हृदय व्याकुल हुआ, वो इतने इतने आतुर हो गए कि उसके बाद उन्होंने ठाकुर जी से कहा, कषाय वस्त्र ले आए, जो सन्यासियों का जो वस्त्र होता है वो वस्त्र ले आए, और बोले प्रभु अब तो हम ये धारण करके वन को जा रहे हैं, वहीं पर आपका भजन करेंगे। सेवा अब हमारे वश की बात नहीं है, हमारी आंख के आगे सेवा में ऐसा अपराध हो तो प्रभु ये हम नहीं देख सकते। अरे ठाकुर जी ने बड़ी कठिनाई से उनको संभाला, ठाकुर जी ने संभाला उनको कि अरे इसमें आपका दोष नहीं, आपकी भूल नहीं है। बोले अरे हम सेवा अधिकारी हैं, हमारे सामने ऐसा हो गया, अगर हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो ये पीछे आपकी क्या सेवा करेंगे। एक 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 साग में एक छोटा सा बाल उनको दिखाई पड़ गया, वो इतने व्यथित हो गए, इतने व्याकुल हो गए, कषाय वस्त्र ले आए, बोले अब हम संन्यास लेकर जाएंगे, वहीं वन में रहकर आपका नाम जपेंगे, अब सेवा करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। इसलिए व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यासना हुई निबाह, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। सेवा किसी की देखा देखी नहीं करनी है, किसी से कोई होड़ थोड़ी है, कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी हो रही है। इसीलिए जब कभी दीक्षा होती है, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसे ही सेवा करना, क्योंकि भाई सबका जीवन अलग है, सबकी जीवन शैली अलग है, समय की अनुकूलता सबके पास अलग अलग होगी। सबके लिए तो एक ही बात है, नाम जपना, वाणी का आश्रय लेना, सेवा जैसी आपको अनुकूल हो वैसा करना। और मैं तो यही कहता आया हूं भाई, और यही कहता रहूंगा, थोड़ी करो पर सावधानी पूर्वक करो। आपका मन चित्त निवेदन होना चाहिए सेवा में, ध्यान रखना। शरीर को किसी भी क्रिया का अभ्यास हो जाता है, जैसे माला जपते जपते माला हाथ में चलती रहती है, मुख में मंत्र भी चलता रहता है, मन तो दौड़ता रहता है ना, ऐसे शरीर को यंत्रवत किसी भी क्रिया का अभ्यास हो जाता है। ठाकुर जी के श्रृंगार का भी आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा। आप देखना थोड़े समय बाद आप देखोगे कि आपने पूरा श्रृंगार कर दिया, मन कहीं और था, ले वो श्रृंगार हो गया। अब आप इसको सेवा कहोगे ना, नहीं तो क्रिया है, फल क्रिया का नहीं है। श्रद्धावान लभते फलम, भगवान कह रहे गीता में, बोले क्रिया का फल नहीं है, भावना का फल है। सेवा में आपकी भावना थी कि नहीं थी? एक एक श्रृंगार होता है, एक सजावट होती है। यदि बिना भाव के आपने आपने वो क्रिया की है, फिर वो सजावट है, डेकोरेशन, फिर एक श्रृंगार है जिसमें एक एक आभूषण और एक एक श्रीअंग के संयोग का ध्यान करते हुए श्री जी को धराया जाता है, उसे श्रृंगार कहते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, एक सेवा हो आपके जीवन में, पर उस एक सेवा में आप मन वचन कर्म से समर्पित हो। क्या क्या एक भगवान ही अकेले ये कार्य नहीं कर सकते थे? वही सृष्टि को बना भी लें, वही उसका पालन पोषण भी कर लें, वही उसको अपने आप में लीन भी कर लें। तीन कार्य करने के लिए भगवान तीन रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। कि भाई आप बनाने का ही कार्य करो, मन लगाकर एक ही काम करो, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन ऐसा छुपायो, आप एक ही काम करो। आप ध्यान नहीं देते ना, कहा तो यहां सब कुछ गया है गुप्त रीति से। आप देखो अष्ट सखियों की वार्ता आप रस मुक्तावली में पढ़ते हो, आप देखो प्रत्येक सखी की अपनी अपनी एक सेवा है। सखी कौन है? अरे वो तो प्रियालाल की इच्छा शक्ति है। ऐसा नहीं है कि अगर ललिता जी की बीरी लगाने की सेवा है और चित्रा सखी जू की
अमृतोपम जल पिलाने की सेवा है, तो चित्रा जी को बीड़ी लगानी नहीं आती, नहीं ऐसा नहीं है। पर प्रत्येक सखी की अपनी अपनी सेवा है, उसने अपना पूर्ण समर्पण उसी एक सेवा में किया है ताकि युगल को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके। स्वयं लाल जी कहते हैं, स्वामी जी महाराज अपनी बाणी में कहते हैं, बहुत मूर्ति मेरी चौर ढुरावत कौ बीरी खवावत। लाल जी कह रहे हैं ये जो सब सहचरियां हैं ये मेरी इच्छा मूर्तियां ही तो हैं, सब अपनी अपनी सेवा में लगे हैं। रसोई बनाने की सेवा श्री चंपकलता जी की है, चंपकलता चौप सो जिमावे। ललिता जी की बीरी लगाने की सेवा है, ऐसे सब सहचरियों की अपनी अपनी सेवा है। किस लिए? ताकि पूर्ण मनोयोग से पूर्ण सावधानी से सेवा की जा सके। अरे बड़े भाग्य से, बड़े ऊंचे भाग्य से, बड़ी कृपा से, गुरुजनों के अकारण अनुग्रह से इस सेवा का भाव हमारे जीवन में आया है। ये भी ऐसे रोज का अभ्यास बन के ना रह जाए, इट्स सो कैजुअल, ऐसी कैजुअल सी चीज जीवन में बन के ना रह जाए, बस मंत्र यंत्र की तरह बस वो करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। ना ना ऐसा ना हो, दो समय जाओ श्री जी की सेवा में, सब ओर से निवृत्त होकर प्रयास करो, सब ओर से मन समेट कर दो समय जाओ श्री जी की सेवा में, भले सुबह शाम जाओ थोड़ी थोड़ी सेवा करो, पर उतनी देर के लिए सब ओर से अपना संबंध विच्छेद करके मैं अपना मन हरि सो जोरो हरि सो जोर सबन सो तोरो मोहि मन क्रम बचन तुम्हारी आसा जैसे कल आपसे मैं कह रहा था ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे, ऐसे गाते गाते बूढ़े हो गए पर भावुक ने भाव नहीं विचारा। ऐसी 10-15 साल तो आपको ही हो गए मेरे साथ गाते हुए, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अच्छा हमको लगता है कि कह भी रैदास जी रहे हैं तो ऐसी भक्ति करेंगे भी वही, हमको क्या लेना देना, हमको तो गाना है बस, है ना भाई। रैदास जी कह रहे हैं ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, कहने वाला करे कराने वाला कराए, हम तो गा रहे हैं। अरे ऐसी भक्ति करोगे कब? मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, केवल गाना नहीं है ना, इसे करना है। गा किस लिए रहे हैं, कहीं करने लगे तो। दो प्रकार की सावधानी सेवा में अपेक्षित है, जो जो सेवा की क्रिया है, एक तो उसमें सावधानी, उसमें सुचिता पवित्रता आदि का विचार किया जाए, और भाव की दृष्टि से जो आप कर रहे हो उसमें सावधानी। उसमें सावधानी क्या है? मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, क्या लागे है। हमारे तो भाई सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए संतों की वाणी से। कबीर ने कहा ना, हरदम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। कह रहे मैं भजन कर रहा हूं पर क्या कर रहा हूं, गुरु की संपत्ति गिन गिन कर गुरु को सौंप रहा हूं। ऐसी हम भी सेवा करें तो हमारी क्रिया में ये सावधानी हो, सुचिता पवित्रता का ध्यान रखा जाए, आचार विचार का हम ध्यान रखें जितना रख सकें, और भाव की दृष्टि से क्या सावधानी हो कि नहीं ये जो सब हो रहा है ये गुरु की कृपा से हो रहा है, ये आचार्य कृपा का फल है। हम महाप्रभु जी की चरण शरण में हैं तो हमारे जीवन में ये सुख के दिन आए हैं। जदों दासी तेनु पालिया तू अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे सहारे। जदों दासी तेनू जानिया रंग मानिया, वेखे अजब नजारे, मैं ता बस हुन जी रहिया इक तेरे
सहार। फिर अगली बात ब्रह्मा जी ने कही, बोले प्रभु आपने मित्र की तरह मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मुझे अपना मित्र बनाया है, तो भूल ना जाना, क्योंकि स्वामी मोहे न बिसारियो लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाए, तुम सा हमको नाए। ब्रह्मा जी ने कहा भूल ना जाना, यहां आपकी दृष्टि मुझ पर से हटी और मैं तो जीव हूं, भूल जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में ही तो आते हैं, उनका भी जन्म हुआ है, वो भी अपना कार्य पूरा करेंगे और फिर पुनः भगवान में लीन हो जाएंगे। यहां पर ब्रह्मा जी साधारण जीव नहीं है, ब्रह्मा जी नित्य सिद्ध हैं, ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं। तो जीव कोटि में तो आते हैं, लेकिन अपने से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो सृष्टि के रचयिता हैं, पितामह हैं, तो सबसे बड़े हैं। तो भाव से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु अब आपने मित्र बनाया तो भूलना नहीं, क्योंकि जब तक आपकी कृपा दृष्टि जीव पर रहती है तभी तक वो सन्मार्ग पर रहता है, आपकी शरण में रहे बोले तभी तक वो भय से और विपत्ति से मुक्त है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, आज तो व्यक्ति उसी को मित्र समझता है जो सही गलत कुछ बताए नहीं, बस जो हमारे मन की कहे, हमारे मन की करे, जैसा हम करें वो उसी में हमारे साथ खड़ा हो जाए, यही हमारा मित्र है। अरे मित्र का ही तो धर्म होता है कि वो सदा दृष्टि रखे, उचित अनुचित का विचार करे, कभी कभी वो आपको अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, कभी आप उसको रोकें। मेरा तो ऐसा मानना है कि संसार के संबंधों में सबसे सुंदर संबंध मित्रता का ही है। जीव और ईश्वर के मध्य भी श्रुतियां कहती हैं मित्र का ही संबंध है, और हमारा तो हमारे इष्ट से संबंध ही यही है, सख्य है। हमारे यहां तो इसी भाव की उपासना है, इसी भाव से आराधना हमको करनी है, सखी भाव से ही हमको प्रिया जी के निकट जाना है, सख्य का ही संबंध है। तो हमारी तो उपासना का आधार भी यही है, उपासना का प्राण भी यही संबंध है सख्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस प्रभु मैं सावधान रहूं, और मैंने आपको बताया सावधानी दो प्रकार से अपेक्षित है, जो आपकी सेवा की क्रिया है उसमें सावधानी और सेवा की भावना में सावधानी। सेवा की क्रिया में सावधानी है आचार विचार संबंधित सावधानी, पवित्रता से सेवा की क्रिया हो, और सेवा की भावना में क्या सावधानी है कि भाई ये जो भी हो रहा है ये गुरु की कृपा से हो रहा है, ये आचार्य की कृपा से हो रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़ त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये सेवा भावना में रखी जाने वाली सावधानी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं जीवों के गुण कर्मों का विभाजन करके उसके अनुरूप उनको गति प्रदान करूंगा, कहीं ऐसा करते करते मैं कर्तापन के अभिमान से ना बंध जाऊं, मैं अपने आप को कर्ता ना समझने लग लूं। कैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार को कहता है अरे मैं पाल रहा हूं तुम्हारा पेट, व्यवहार में यही बात तो सुनी जाती है। बाप कहता है भाई मैं ही तो पाल रहा हूं तुम्हारा पेट, मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा। व्यक्ति भी यही सोचता है अरे मैं इनको नहीं पालूंगा पोसूंगा तो कौन करेगा। इसी भ्रम से तो, इसी भ्रम रज्जु से ही तो आप में सब बंधे हैं। हमको लगता है भाई हम नहीं होंगे तो क्या होगा, अरे यहां भगवान आकर चले जाते तो भी जो होना है जो तो होता ही रहता है, काल का चक्र है तो चलता रहता है। प्रयास करो कभी एकांत में बैठकर अपने मन को थोड़ा सत्संग दो, अपने मन को थोड़ा सद्विचार दो, और इस भ्रम से भी मुक्त होने का प्रयास करो। हर जीव यहां पर अपना प्रारब्ध लेकर आया है, आप कुछ लेने देने वाले नहीं हो, आपका किसी से लेना देना है ही नहीं, आपने मान रखा है नहीं, आपने मान रखा है। इसलिए कुछ दिन पूर्व मैंने आपसे कहा था प्रार्थना करनी है तो सर्व के कल्याण की, सबके मंगल की प्रार्थना करो ना, मेरा घर मेरा परिवार तो भी रहे तो आप स्वार्थ में ही ना, मेरे घर के लोग ऐसे हो जाएं, मेरा परिवार ऐसा करे, अब मेरे बच्चे ऐसा करें, अरे ये भी स्वार्थ ही है।
प्रार्थना करनी है तो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सब सोहित निष्काम मति। महाप्रभु जी ने जो मध्य में जो शब्द कहा निष्काम मति, बोले तब सब सोहित फलीभूत होगा, पहले मति निष्काम हो। सबके लिए प्रार्थना करनी है। आप माता हो, आप बालक के लिए प्रार्थना कर रही हो, फिर आप तो भाई अपना हृदय इतना बड़ा करो, आप संसार के सब बालकों के लिए प्रार्थना करो कि भाई सबका बालक भजन करे, सबके बालक सदमार्ग पर चले। कर दे पावन हरेक मन का कोना, इसलिए पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और मेरी मानो जिसके हृदय में ये भाव है ना, उसके हृदय से खुशबू आती, सुवास। ये जो सर्व के प्रति सद्भाव है ना, इससे आपके व्यक्तित्व से एक सुवास आती है जो भगवान को प्रिय है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, दो बातें ध्रुवदास जी ने विशेष करके कही, तिये के तन को भावधर सेवा हित सिंगार, और जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। कैसा सिंगार? यानी प्रथम ही मज्जन कीजिए, फिर सौरभ अंग लगाए, तापाच है रचिपच कर सुंदर तिलक बनाए। प्रथम ही मज्जन कीजिए, फिर कहा सौरभ अंग लगाए। ठाकुर जी के पास सुवासित होकर जाना चाहिए। अब शरीर तो सुवासित हो जाएगा गुलाब केतकी के इत्र से, अब ऐसा नहीं कि परफ्यूम लगा के जाने लगो। तो घोर रजोगुणी वस्तु है, उसे आपका रजोगुण बढ़ेगा। जो भी वस्तु आप प्रयोग करते हो उसका भी तो एक गुण, उसकी भी तो एक प्रकृति है ना, उसका आपके मन मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें भोजन में निषेध हैं, किस लिए? केवल इसीलिए कि भाई वो एक विशेष प्रकार के गुण की वृद्धि कराती है। कोई ऐसे बहुत बड़ा पाप नहीं है प्याज लहसुन खाना, नहीं। लेकिन यदि आप साधना कर रहे हो, आपको सत्वगुण बढ़ाना है जीवन में, फिर आपके लिए वो ठीक नहीं, जस्ट नॉट कंपैटिबल। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, इट्स नॉट कंपैटिबल, क्योंकि आपने जो मार्ग लिया है वो उस मार्ग के लिए थोड़ा उचित नहीं है। अगर ठंडे इलाके में जा रहे हो तो भाई गर्म कपड़े लेकर जाओगे ना। ऐसे ही जिस मार्ग पर आप जा रहे हो उस मार्ग के अनुकूल आपको तैयारी करनी चाहिए ना। उस मार्ग के अनुकूल नहीं है वो वस्तु बस। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, पर मैं कह रहा हूं कि अच्छे बुरे के द्वंद्व में पड़िए ही नहीं। भाई हमारे काम की वस्तु क्या है? गुरुजनों ने हमें किस बात का निर्देश किया है उतना ले लो। क्या भले बुरे के द्वंद्व में पड़ोगे? जो तुम्हारे लिए बुरा है वो किसी के लिए भला होगा, तुम्हारे लिए जो भला है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। बहुत बड़ा संसार है भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और साई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। अभी तो कबीर ने कहा, अरे कापे तू दया करे और कासो निर्दय होए, साई के सब जीव हैं। एक तो सर्व के प्रति सद्भाव और एक सर्व के प्रति संभाव, दो बातें हैं। खैर, हम कह रहे थे प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, तो तन तो सुवासित हो जाएगा किसी इत्र से, लेकिन श्री जी की सेवा में केवल तन तो नहीं जा रहा है ना, मन भी जा रहा है। मन कैसे सुवासित होगा? सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। सर्व के प्रति सद्भाव जो है वो आपके मन को सुवासित करता है, आपके मन से एक महक आती है। क्यों संत प्यारे हैं भगवान को?
भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लिखा हो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। क्यों संत भक्त भगवान को प्राणों से प्यारे हैं, संत की विशेषता क्या है? यही तो है ना, पर उपकार परमारथ के कारण है लियो संत अवतार। वो जो सबके प्रति सद्भाव है ना, वो भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए संत भगवान के बड़े प्यारे हैं। तीनों लोकों में भटक रहे हैं दुर्वासा, किसी ने उनको शरण नहीं दी। भगवान को थोड़ी दया आई क्योंकि अब वो उनका स्वभाव है। अच्छा भगवान ब्राह्मण्य देव भी हैं, बोलिए ब्राह्मण हैं और देखो कितने तपस्वी ब्राह्मण हैं। भगवान ने कहा कि देखो भाई कर तो हम कुछ नहीं सकते, कर तो हम कुछ नहीं सकते, आपको थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं, जिनका अपराध आपने किया उन्हीं के पास चले जाओ। ब्रह्मा हरिहर जब किसी ने शरण नहीं दी, तब हाफते हाफते आए ऋषि दुर्वासा और महाराज अम्बरीश को लग रहा है कि भाई इन्होंने कोई हमारा अपराध किया ही नहीं, हम इनको क्षमा क्या करें। कल हम क्षमा पर बात कर रहे थे, इसलिए कहता हूं क्षमा दान करिए। वस्तुतः तो भाई किसी ने अपराध ही नहीं किया है तो आप क्षमा करने वाले कौन हो? कहो न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जैसे भरत जी ने जब बाण चलाया लग गया हनुमान जी को, तो भरत जी जैसे व्याकुल हो गए ना, और भरत जी ने कहा कि जो मोह पे रघुपति अनुकूला तो कपि होई विगत श्रम सूला। ऐसे ही महाराजा अम्बरीश ने कहा, जो भगवान यदि मुझ पर प्रसन्न हो, जो मो पर रघुपति अनुकूला, क्योंकि सुदर्शन चक्र के तेज से जले जा रहे थे दुर्वासा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। रूपदास जी कहते हैं सकल आयु सत्कर्म में बहुत सावधान कर रहे हैं, आप भी बहुत सावधान रहना, क्योंकि आज सावधानी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, किसी ने अपना पूरा जीवन सत्कर्म में बिताया है, पर बड़े भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए, और भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। वहां द्वारिकाधीश तो अर्जुन से कह रहे, भाई हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। तो साधन में ये सावधानी भी हो। पर महाराजा अम्बरीश का हृदय कैसा है, वो कह रहे भाई इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, और जब ऋषि की वो दशा देखी तो तू व्याकुल हो गए, उनके दुख से दुखी हो गए, उनके दुख से पीड़ित हो गए। फिर सारे संसार को समझ में आया क्यों इतने प्रिय हैं ये भगवान को। हाथ जोड़कर आंख मूंद कर बार बार भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझ पर यदि प्रसन्न है, जो मो पे रघुपति अनुकूला, ताही न व्यापि त्रिविध भवसूला, जो मो पे रघुपति अनुकूला, तो मुनि हो ही विगत श्रम सूला। तो ये जो भाव है सर्व के प्रति सद्भाव, ये सुवास है। इसमें कठिनाई क्या है, जो आपके प्रति सद्भाव रखता है उसके प्रति तो आपके मन में सद्भाव होगा, पर जो आपके प्रति सद्भाव नहीं रखता है उसके प्रति मन में सद्भाव रखना, ये बड़ी तपस्या है, ये तपस्या है। जो कांटा चुभा रहा है हमें, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस पर आप फूली बरसाना, ये बड़ी तपस्या है। इसके लिए चाहिए संत का हृदय, इसलिए ऐसा संत भगवान को प्रिय है। भगवान तो अनुग्रह भी करते हैं निग्रह भी करते हैं, पर संत कैसा है, कह रहे सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास।
कुल्हाड़ी लेकर कोई काटने आया है चंदन का वृक्ष, वो कुल्हाड़ी भी सुवासित हो जाती है, काटने वाला भी सुवासित हो जाता है। और संत का एक और गुण होता है, भुजंग लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष से, चंदन अपनी सुवास तो उनको देता है लेकिन उस सर्प का जो तमोगुण है वो चंदन ग्रहण नहीं करता। इसलिए कहा सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुवास। तो ये आपके व्यक्तित्व की सुहास है। रुद्रदास जी ने जो संकेत किया ना वो केवल तन को सजाने के लिए नहीं किया कि तिये के तन को भाव धरी। पहली बात तो यहां तन की बात ही नहीं हो रही है, वो कह रहे तिये के तन को भाव धरी, सहचरी का भाव धारण करना, सेवा हित श्रृंगार। श्री जी की सेवा में जाना इसलिए अपना श्रृंगार करना है। कैसा श्रृंगार? कह रहे दिव्य श्रृंगार। पहले मज्जन करिए, फिर कह रहे सौरभ अंग लगाई। इस अंग की बात नहीं हो रही है, जो भाव देह है उसको सुवासित करना है। और एक ही छोटी सी बात भी आप लिख लेना, भाव देह को सुवासित सर्व के प्रति सद्भाव से ही किया जाता है, इससे आपका भाव देह सुवासित होता है। इसलिए तो छोटी सी पुड़िया दी थी मैंने आपको बरसों पहले कि 2-5 मिनट माला के कुछ मन के घुमाया करो सबके लिए, आपका हृदय सुवासित होगा, वो महक आपकी वो खुशबू आपके भीतर प्रकट होगी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दापला। अब जिससे बहुत सुंदर खुशबू आती हो उसके पास रहने का मन करेगा कि नहीं? अब किसी से बहुत दुर्गंध आ रही है तो भाई व्यक्ति किसी तरह अपनी बात पूरी करके निकल लेता है। अब किसी से बड़ी सुगंध आती हो तो बार बार उसके पास जाने का मन करता है, इच्छा होती है कि पास ही रहे। ऐसे संतों के भाव देह से जो सर्व के प्रति सद्भाव की सुहास आती है ना, प्रभु की इच्छा होती भाई ये हमारे पास ही रहें, ठाकुर जी जाते हैं ये हमारे पास रहें। क्योंकि श्री कृष्ण तो श्रृंगार प्रिय है ना, वो तो श्रृंगार प्रिय है, श्रृंगार रस माधुर सार सर्वस्व विग्रह, श्रृंगार प्रिय है वो। जैसा श्रृंगार श्री कृष्ण को प्रिय है वैसा किसी को नहीं है। आप देखो सजे धजे ही तो रहते हैं वो हमेशा, नख से शिख तक आज तक भक्त लोग उनका श्रृंगार ही तो गा रहे हैं। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, दुनैना सरकार के कटीले हैं कटार से। श्रृंगार प्रिय है उनको, इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा भाई तुम भी श्रृंगार करके ही जाना, उनको श्रृंगार प्रिय है, विष्णु अलंकार प्रिय, महादेव को अभिषेक प्रिय है, शिव को प्रसन्न करना हो तो शिव तो आशुतोष है, जल की धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, चुल्लू भर जल से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अभिषेक प्रिय है, विष्णु अलंकार प्रिय है। नारायण की अर्चना आपको करनी हो तो उनको अलंकार प्रिय है, आभूषण प्रिय है। अगर आप में से किसी ने श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन किया हो आदि कैसे अद्भुत अद्भुत अलंकार वहां भगवान के श्री विग्रह पर धारण कराए जाते, क्योंकि विष्णु अलंकार प्रिय है, महादेव अभिषेक प्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण श्रृंगार प्रिय है, उनको श्रृंगार प्रिय है। उनका ये आग्रह नहीं है कि हीरे मोती से ही सजाओ। ग्वाल वालों के संग जाते हैं वन में धेनु चराने, तो वहां वन में मिलने वाली अनेक अनेक धातुओं से चित्र बना देते हैं बाल गोपाल श्री ठाकुर जी के दिव्य श्री अंग पर। मोर ने नृत्य करते करते अपना पंख गिरा दिया, वही उनका शिरोभूषण हो गया। अनेक अनेक वन के दिव्य पंछी हैं, वो अपने सुंदर सुंदर पंख लाकर देते हैं और नटवर का श्रृंगार होता है। तो कैसी वस्तु हो ये बात नहीं, श्रृंगार प्रिय है, श्रृंगार। तो इसलिए उनके पास भी जो जाए वो श्रृंगार करके जाए, पर ऐसा श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार। आप दक्षिण में जाइए, आप बड़े बड़े श्री विष्णु मंदिर हैं वहां आप उनके पुजारियों को देखो, वो कितने कितने अलंकार स्वयं धारण किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका जो उनके इष्ट हैं
जो उनके आराध्य, उनको अलंकार प्रिय है, इष्ट को जो वस्तु प्रिय हो उसी को ग्रहण करके, उसी को धारण करके इष्ट के पास जाना चाहिए। इससे देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाकाल के पुजारी लगाए रहते हैं ना अपने माथे पर भभूति, महादेव को वही प्रिय है। देवता को जो प्रिय हो, अब हमारे प्रियालाल को श्रृंगार प्रिय है। अच्छा, लाल जी को श्रृंगार प्रिय है, प्रिया जी को क्या प्रिय है? क्योंकि हम युगल के उपासक है ना, तो हमको लाल जी की रुचि का भी ध्यान रखना है, प्रिया जी की रुचि का भी ध्यान रखना है। लाल जी को तो श्रृंगार प्रिय है, प्रिया जी को क्या प्रिय है? बताओ, सोचो, श्री जी को क्या प्रिय है? एक एक शब्द का उत्तर है, श्री जी को केवल हित प्रिय है। उससे भरकर रुद्रदास जी ने दो ही बातें कही हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान से सुना करो संत क्या कह रहे हैं। कमल की कली लेकर आते हो आप, फिर बैठकर ऐसे एक एक पंखुड़ी खोलते हो ना उसकी। कमल अपनी पंखुड़ी बंद क्यों रखता है? ताकि जो उसकी सुवास, उसका मकरंद है, वो सुरक्षित रह सके। ऐसे जो संत की बात होती है ना, वो भी ऐसे कली के जैसी है, उसके उसके भीतर का जो रहस्य है वो सुरक्षित रह सके। आप देखो, आज हम केवल एक ही शब्द पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने यह कहा, प्रभु मैं सावधानी पूर्वक सेवा करो, सेवा तो करूं पर सावधानी पूर्वक सेवा करूं। और सावधानी भी कैसी? सेवा की क्रिया में भी सावधानी, सेवा की भावना में भी सावधानी। सेवा दो प्रकार से की जाती है ना, एक तो शरीर से तो क्रिया हो रही है और मन में सेवा का भाव है, वहां दोनों में सावधानी कैसी हो? और आप मानो ना मानो, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, पर ये भाई, ये व्यास पीठ की ही महिमा है। मैं यहां पर आकर बैठता हूं, मैं इस श्लोक का गान करता हूं और ये सब रहस्य अपने आप यहां पर प्रकट हो जाता है। मैं किसी पुस्तक से पढ़ के थोड़ी आया हूं, ये सब सत्संग की महिमा है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, ऋषि मुनि आचार्य अपना अनुग्रह करते हैं, शास्त्र अपना अनुग्रह करता है। जब आपकी चेतना का उत्थान होता है, जब आप उनके निकट जाने की चेष्टा करते हो, फिर वो कृपा करते हैं। हाँ, पर ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा भारतवर्ष में सदा से यही थी। प्यासा जाता था, कोई जिज्ञासु ढूंढता था किसी संत को, किसी तपस्वी को, किसी ज्ञानी को, वो जाता था उसके पास। ऐसे हजारों हजार चेलाओं की भीड़ गुरुओं के पास में नहीं रहती थी तब, ऐसी गुरुओं की भीड़ भी नहीं थी। मुझे तो जिस गति से ये सब बढ़ रहा है ना, मुझे तो एक समय ऐसा लगता है कि चेलाओं से ज्यादा गुरु हो जाएंगे, शिष्य कम होंगे गुरु ज्यादा होंगे, बोलने वाले ज्यादा हो जाएंगे सुनने वाले कम रह जाएंगे। तो प्रिया जी को हित प्रिय है। तृतीय के तन को भाव धर, सेवा हित श्रृंगार। श्रृंगार धारण करना है किसके लिए? सेवा के हित के लिए, और हित की सेवा के लिए। इस शब्द में श्रेष्ठ है, गूढ़ार्थ है। कहा सेवा हित श्रृंगार, सेवा के हित के लिए श्रृंगार करना है, या हित की सेवा के लिए श्रृंगार करना है, यानी हित की सेवा के लिए श्रृंगार करना है। क्यों? हित की मूर्ति प्रिया जी हैं। रसम राधाया भजति किल भावं ब्रजमणौ, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। हित की मूर्ति प्रिया जी हैं, हम युगल के उपासक हैं, हमको दोनों की रुचि का ध्यान करना है। प्रिया जी को हित प्रिय है, लाल जी को श्रृंगार प्रिय है। हित की सेवा के लिए, प्रिया जी की सेवा के लिए हमको श्रृंगार धारण करके जाना है। और कैसा श्रृंगार, ये चर्चा हमने की। तब युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। और हित का भाव धारण करना, अर्थात जिसकी सेवा में आप जा रहे हो ना, उसको सुख मिले। आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम।
रूप गोस्वामी पाद ने ये बड़ी सुंदर एक बात कही है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे प्रेम की व्याख्या हुई, क्या होता है प्रेम, कह रहे अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की कोई अन्य अभिलाषा नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म आदि कोई और भाव, कोई और विचार भी उस शुद्ध भावना में न हो। आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा, जो आपके सेव्य के, आपके आराध्य के अनुकूल हो, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या रुचता है, उसकी रुचि क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे मित्र बनाया है, आपने मुझे सखा कहा है, आपने मेरा हाथ थामा है, आपने हाथ मिलाया है मुझसे, तो प्रभु उस पर कृपा रखना कि कहीं मैं कर्तापन के अभिमान से ना बंध जाऊं। और आपको मुझे, हम सबको सावधान हो जाना चाहिए ब्रह्मा जी की बात सुनकर, ब्रह्मा जी भी जगत गुरु हैं, उनकी बात सुनकर आपको मुझे, हम सबको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई सेवा करना, पर सेवा करते करते कर्तापन के अभिमान से नहीं बंध जाना, इससे सेवा की भावना दूषित हो जाती है। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूं कि यदि जीवन में गुरु नहीं हुआ, यदि गुरु की चरण शरण में रहकर आपने सेवा भजन नहीं किया, तो अभिमान निश्चित आएगा ही आएगा, आप कर्तापन के अभिमान से बंधोगे ही बंधोगे, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काड़े घोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। हो सकता है इस समय कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा हो कि भाई हमारे घर में तो बहुत अधिक अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो इस सब का विचार करके कैसे सेवा करेंगे। मैं एक बात कह देता हूं आपको कि जीवन में आने वाली कोई भी अनुकूलता और कोई भी प्रतिकूलता आपके पवित्र संकल्प से शक्तिशाली नहीं हो सकती। आपका संकल्प सबसे शक्तिशाली है, आपके जीवन में जो कुछ है वो उसी का फल है, उसी का परिणाम है। आप पवित्र संकल्प करोगे आपके लिए मार्ग अवश्य बनेगा। आप अपने मन में भाव रखो कि मैं उत्तम से उत्तम रीति से श्री जी की सेवा करूं, मैं उत्तम रीति से अपने प्रभु को लाड़ लड़ाऊं। व्यवस्था करना प्रकृति का कार्य है, प्रकृति है ही किस लिए, प्रकृति है कौन, भगवान की सेविका ही तो है। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवन चमरो करे, ये सकल बन राए फुलंत ज्योति। आप देखो प्रकृति निरंतर सेवा ही तो कर रही है अपने स्वामी की, जैसे आप श्री जी की सेवा करते हो, आपके निकट किसी नए साधक ने श्री जी की सेवा करनी आरंभ की, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो आप दोगे कि नहीं दोगे, आप बड़ी प्रसन्नता से दोगे, उसको सिखाओगे भी, क्योंकि वो भी उसी की सेवा कर रहा है जिसकी सेवा आप कर रहे हो, दोनों का इष्ट आराध्य एक है। जब आप प्रभु की सेवा का संकल्प करते हो तो आपका और प्रकृति का संकल्प एक हो जाता है, फिर प्रकृति खोलती है अपना भंडार। जो कल आपसे मैंने कहा, आप ये संकल्प करोगे प्रकृति आपके लिए अपना खजाना खोल देगी, क्यों, क्योंकि आप दोनों का संकल्प एक है, आप भी प्रभु की सेवा करना चाहते हो, प्रकृति भी प्रभु की सेवा कर रही है, वो सबसे पुरानी सेविका है, जब से प्रभु है तब से वो प्रभु की सेवा में है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रकृति जैसा अनुशासित भगवान का कोई और सेवक नहीं है। समय पर सूर्य उदय होता है, ये सब ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं ये समय पर रहकर अपनी सेवा करते हैं, निरंतर सदा से कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो पवन बहती है, महाराज वाणी में कह रहे हैं, बोले ये पवन बहती है, अरे प्रभु को प्रकृति चमर ढुराती है, बने सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती। ऐसी ऐसी आरती प्रकृति उतार रही है अपने स्वामी की। एक और बात मैं आपको बताऊं, हम जितने भी सेवा करते हैं,
प्रकृति जो सेवा कर रही है उसी से ही सीख कर हम करते हैं, हम कर रहे हैं। तो आपका और उसका संकल्प एक हो जाएगा, मन एक हो जाएगा। जहां पर मन एक हो जाता है वहां पर कोई छुपाव दुराव नहीं किया जाता। व्यवहार में भी किसी से आपका मन एक हो जाए तो वो सब बात आपके सामने कह देगा, अपनी सब वस्तु आपके सामने लाकर रख देगा। जब आपका संकल्प प्रकृति से एक हो जाता है वो अपना भंडार भी आपके लिए खोल देती है। और ध्यान से सुनना, वो अपने गर्भ में छिपे गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी आपके सामने उजागर कर देती है। कल भी मैंने आपसे कहा था, गुरु कृपा से कुछ प्रसाद मुझे मिला, उसी के बल पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। वो अपने गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रकट कर देगी, खोल देगी अपना भंडार आपके लिए। आप करिए प्रभु की सेवा, कितनी करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपका उसका संकल्प एक हो गया, मन एक हो गया, मन मिला लीजिए प्रकृति के साथ। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जाकर प्रकृति की गोद में भगवत आराधन करते थे। उनको कोई संसार से बैर नहीं था, प्रकृति की गोद में रहकर भगवत आराधन कर रहे हैं, क्योंकि संसार व्यापार में लगा है, प्रकृति भगवान की सेवा में लगी है। भाई, भक्तों के संग रहकर ही तो भक्ति होती है। अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई इसे माया कहता है तो कहता रहे, हमको तो संतों ने ही दिखाया। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवन चमरो करे, ने सगल बन राय फूलंत ज्योति। एक बार कभी नेत्र मूंद कर इन शब्दों को गाना, देखो कैसा सुंदर थाल प्रकृति ने सजाया है, कैसे वो अपने स्वामी की आरती उतार रही है सुबह शाम। आप देखो आकाश का श्रृंगार दिन में दो बार बदलता है, सुबह और शाम को, एक प्रातः संध्या होती है, एक साय संध्या होती है। उस समय थाल सजता है, सुबह भी शाम को भी। आदिकाल से प्रकृति ये आरती की सेवा कर ही तो रही है, नित्य निरंतर। उसी को देखकर, उसी से सीख कर हम कर रहे हैं। ये जो हमारे यहां जो आरती है ये उसी को देख कर है, उसी से सीख कर है। तो आओ 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। Hey, hey.
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से मांगो आप, मैं आपको देने के लिए वचनबद्ध हूं। तो ब्रह्मा जी ने दो बातें मांगी। पहली बात क्या कही थी? पहली बात, पहला वर ब्रह्मा जी ने क्या मांगा था? कल ही बताया था मैंने। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा था, प्रभु आप मुझे अपने सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराइए। और फिर दूसरी बात में ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी सेवा करूं पर मेरी दृष्टि सदा आपके श्रीचरणों पर रहे, न तो शिर होकर आपका सेवक होकर आपकी सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी ने अपने दोनों वरदानों में ज्ञान भी मांगा, भक्ति भी मांगी। पहले ज्ञान मांगा फिर भक्ति। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि भगवान को सबसे अधिक ज्ञानी भक्त प्रिय है। जो ज्ञानी भी हो और भक्त भी हो, प्रभु को स्वरूप से जानता भी हो और प्रभु के स्वभाव पर अनुरक्त भी हो। प्रभु के स्वरूप को जानोगे संसार से विरक्ति हो जाएगी, प्रभु के स्वभाव को जानोगे भगवान में अनुरक्ति हो जाएगी। दोनों को ही जानना आवश्यक है। केवल स्वरूप को जाना, विरक्त तो हो गए लेकिन भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो यहां वहां श्राप देते डोलोगे। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, पथ पतन हो सकता है, भाव से स्खलन हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने दो बातें कही। पहले कहा कि प्रभु अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए, फिर अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय है। ऐसा श्री गीता जी में भगवान ने स्वयं अपने मुख से अर्जुन से कहा, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। अब आप सोचो कि गोपियां सबसे बड़ी भक्त तो वही है, यथाव्रज गोपी का नाम। हाँ, गोपियां ज्ञानी भक्त है। वो कहती नहीं है लेकिन वो जानती है श्री कृष्ण कौन है। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। वो जानती हैं, वो श्री कृष्ण को स्वरूप से जानती हैं, वो ज्ञानी भक्त हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय हैं, प्राणाधिक प्रिय हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि दोनों वर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, मैं स्वयं तुम्हें अपने सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान प्रदान करता हूं, वो परम गोपनीय ज्ञान जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ और जान लेना शेष नहीं रहता और उसके पश्चात कभी माया जन्य मोह भ्रम आदि उपस्थित नहीं होते। तो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, चार श्लोकों में श्रीमद् भागवत सुनाया। और उन चार श्लोकों का सार क्या है? वासुदेव सर्वम, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, अंतिम सत्य यही है, ज्ञान की पराकाष्ठा यही है। ना उपजय ना बीनसय संतन सुखदाई। तो 10 लक्षणों वाला श्रीमद् भागवत पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। ये जो संवाद ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य हो रहा है, ब्रह्मा जी ने पहले सब बात बताई, नारद जी ने क्योंकि कहा था विस्तार से बताइए, एक एक बात बताइए हमको, कुछ रह ना जाए। नारद जी रसिक है ना, वो भगवान की कथा के रसिक हैं। और ब्रह्मा जी जैसा सुनाने वाला हो, नारद जी ने कहा विस्तार से बताओ, कुछ रह ना जाए। ब्रह्मा जी ने भी बड़े प्रसन्न मन से नारद जी को सब सुनाया। फिर जो श्रीमद् भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था चतुश्लोकी के रूप में, ब्रह्मा जी ने वो श्री नारद जी को सुनाया। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को ये ज्ञान प्रदान किया, श्रीमद् भागवत सुनाया। वहां से श्री सुखदेव जी के हृदय में ये प्रकट हुआ और अब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित ने जितने प्रश्न पूछे उसके उत्तर के रूप में ये दिव्य ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रदान कर रहे हैं। ये वो ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के पाश से मुक्त करने वाला है, जीव को परम गति प्रदान करने वाला है, श्री कृष्ण के चरणों का परमाश्रय देने वाला है। और कथा में तो ऐसा आनंद आ रहा है कि महाराज परीक्षित को अपनी देह की सुधि विस्मृत हो गई। कहा महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कि आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करना,
आप निरंतर बस कथा ही सुनाइए। मैंने वो तो कह रही रुकिए नहीं, आप निरंतर कृष्ण कथा का ही मुझे पान कराइए, मेरे तन मन प्राण सब शीतल हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, मैं मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ, आपके मुख से ही अमृत झर रहा है और इसका पान करके मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है, मयूर वन का नृत्य कर रहा है। आप निरंतर भगवान की कथा सुनाइए। तो महाराज परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी और प्रसन्न हो गए, अर्थात महाराज परीक्षित को वो रस विशेष मिलने लगा है, जो कथा का रस विशेष है, इस विशेष बात में जो विशेष रस है वो महाराज परीक्षित को मिलने लगा है। तो यहां पर द्वितीय स्कंद विराम लेता है। तृतीय स्कंद के आरंभ में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुमने जो सब प्रश्न मुझसे पूछे, मुझे स्मरण हो आया कि ऐसे ही प्रश्न महात्मा विदुर ने एक बार मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। अब महाराज परीक्षित ने कहा कि उनका संवाद कब हुआ, सो आप हमको बताइए। आप देखो पहले स्कंद में चर्चा हो रही है सूत जी और शौनकादि ऋषियों के मध्य, दूसरे में चर्चा आरंभ हुई श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित के मध्य, तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य संवाद होगा। प्रत्येक स्कंद में हो दो महापुरुषों का सत्संग ही रहा है। ये श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा उद्भूत हुई है, ये सत्संग से ही उद्भूत हुई है और वहीं पर विश्राम भी पाती है और मध्य में भी सत्संग ही है। सत्संग में ये प्रकट भी होती है, इसका मूल भी सत्संग है, इसका आदि भी सत्संग है, इसका मध्य भी सत्संग है और इसका विश्राम भी सत्संग ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था श्रीमद् भागवत के चिंतन के सार स्वरूप अगर कोई एक बात मिलती है तो साधु संगति करु अनुदिन राती, सत्संगति। आज पहली बार मैं आपको ये प्रसंग सुना रहा हूं, मैं अगली बार सुनाऊंगा तो ये प्रसंग कुछ और भाव हमको प्रदान करेगा, मैं फिर सुनाऊंगा तो कोई और भाव होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहिं बहु विधि सब संता। तभी संत कह रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हो कोई ऐसो रे सुखदाई जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। और आपको याद दिला दूं ताकि आप भूल ना जाए, ये जो एक एक शब्द है ये उस महामहिम का शक्तिपात है। ये जो एक एक शब्द यहां पर प्रकट हो रहा है ये एक दिन मन के उस सब कपट कपाट खोल देगा, सोए जीव को जगाने के लिए भगवान की कथा है। अब कोई कोई तो होते हैं ऐसे कथा में भी सो जाते हैं, पर वैसे सोए जीव को जगाने के लिए भगवान की कथा है। सोया जीव जग जाए, मोह निद्रा से जग जाए। तुलसी बाबा ने कहा ना, मोह निशा सब सोवनि हारा। और श्री महाप्रभु कहते हैं भाई ये दुरंत मोह है, इसके बिना इसकी कोई औषधि नहीं है। ये एक ऐसा रोग है, अच्छा सब रोगों का, सब व्याधियों का मूल यही है, मोह सकल व्याधिन करि मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। इस रोग की औषधि एक ही है और वो किसी संत के पास में है, उसके पास जाओ, याचक बनकर, पिपासु बनकर, जिज्ञासु बनकर उसके पास जाओ, फिर उसके मुख से वो ज्ञान गंगा निस्सृत होगी। बोले इससे ये मोह का जो रोग है, जो जन्म जन्म से तुम्हारे साथ लगा है, जिसके कारण तुम जन्म जन्म से संसार की पीड़ा भोग रहे हो, आवागमन के दुष्चक्र में पड़ रहे हो, जन्मते हो फिर मरते हो, फिर जन्मते हो फिर मरते हो, अपार दुख पा रहे हो, ये रोग समाप्त हो जाएगा। सतगुरु मेरे आ
मिलाया संजोग जी सतगुरु मेरे आ, मिलाया संजोग जी दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुया निरोग जी जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां, कितों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। तो ये जो चर्चा हम यहां श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, ये उद्भूत हुई है स्वयं प्रभु के हृदय से। इस ज्ञान के परमाचार्य स्वयं श्रीमन नारायण है। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, वहां से ये गंगा आविर्भूत हुई। जैसे वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम परयो है त्रिभुवन तारण आई। आप देखो उस गंगा को भी पहले किसी भागवत ने अपने मस्तक पर धारण किया, शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, फिर आई यहां पर त्रिभुवन तारण आई। ऐसे इस गंगा को भी पहले श्री ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में धारण किया, फिर नारद जी से होती हुई भगवान वेदव्यास तक पहुंची, और फिर सुखदेव जी के द्वारा ये महाराज परीक्षित तक और आप तक और मुझ तक पहुंच रही है। ऐसे इस मार्ग से ये गंगा होकर आई है। क्या क्या है ना भाई, प्रभु का जो प्रसाद है उस पर सबसे पहला अधिकार तो प्रभु के भक्तों का है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सहेज कर रख लिया वो चरण धोवन, और जब पृथ्वी पे उसके अवतरण का समय आया तो भगवान के मन की इच्छा थी भाई ये महादेव को मिले, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं हमारे चरणों से सर्वाधिक स्नेह कौन करता है। महादेव ने आगम तंत्रों में गुप्त रीति से यह बात मां गिरिजा से अनेक स्थानों पर कही है कि मेरे सर्वस्व तो बस उनके चरण ही हैं। कभी कभी वो भी पूछ लेती हैं ना, इतना लंबा ध्यान किसका करते हो आप, आप स्वयं जगन निवास हो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं, बोले आप किसका ध्यान करते हो, और ध्यान भी ऐसा। तुलसी बाबा तो लिखते हैं बीते संबत सहस सतासी, समाधि लगी है भाई, समाधि में कोई ऐसा रस मिल रहा है ना, तभी तो समाधि छूट नहीं रही, अभी तो ध्यान हट नहीं रहा। तो माता पूछती है ये ध्यान आपका है कहां कि वहां से हटता ही नहीं, देवताओं को सहस्त्र सहस्त्र स्तुतियां करके आपका ध्यान समाधि से बाहर लाना पड़ता है ताकि जो सृष्टि का कार्य है वो अपनी गति से चल सके, आप तो भजन में ही लगे रहते हैं। ऐसा किसका भजन करते हैं आप, अरे आप स्वयं निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। शिव के विषय में कोई कुछ कहे तो मेरा तो सुनने मात्र से ध्यान लग जाता है, ऐसे शिव हैं। माता पूछती आप किसका ध्यान करते हैं,
पहले तो वो बताते नहीं, अपने भजन को गोपनीय रखना चाहिए। फिर कहीं कहीं महादेव ने कहा है, क्योंकि देवी तुम्हारी मुझ में निष्काम प्रीति है, इसलिए मैं तुमसे अपने हृदय की बात करता हूं। श्री राधा पद पद्म भूत मधुरम सर्वस्व भूतम श्री चरण मेरा सर्वस्व है, उन्हीं का निरंतर ध्यान करता हूं, जिह्वा से उनके नाम का जप करता हूं और अपने हृदय कमल पर उनके श्री चरण विराजमान करके बस प्राणों से उन्हीं का आराधन करता हूं। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, कैसा, बस केवल प्रभु के चरणों का ही ध्यान किया, प्रभु के चरणों की स्तुति की, बार बार घूम घूम कर, ऐसे भंवरा आ जाता है ना कमल पर ही मंडराने, ऐसे ही उनका भी मन मधुकर जो है लौट लौट कर दौड़ दौड़ कर आता है प्रभु के चरण कमलों पर ही। और जब सुनाने वाले का हृदय ऐसा है, श्रीमद् भागवत के सुनाने वाले का हृदय ऐसा है कि वो प्रभु के चरणों से एक क्षण हटता नहीं, तो उसके मुख से जो भी औषधि मिलेगी शब्द के रूप में, वो भी हमारे मन को स्वस्थ करके वहीं पर ले जाएगी। सदा कहता हूं ना आपसे, जो शब्द चेतना के जिस धरातल से आया है वो आपको वहीं लेकर जाएगा। सुखदेव जी के हृदय से प्रकटे ये शब्द वहीं लेकर जाएंगे जहां उनका हृदय है, और उनका हृदय रहता है नित्य निरंतर सतत प्रभु के चरण कमलों में। तो श्री चरणों का पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय हित प्रभु को नमन।